इसको खोलो, जो बीबी को सताता उसके हाथ से नहीं खुलता, जो प्यार करता उसी के हाथ से खुलता। एक मिनट, दो मिनट, चेहरे से कितना खुला। क्या बात है, क्या बात है, ये क्या है? ये मून फिटिंग रेनबो। सही बात है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम डल झील। तो अभी मैं हूँ डल झील पे, आज है मेरा तीसरा दिन कश्मीर का, और यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ आज गुलमर्ग, वो एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। और फिलहाल जो है ना, ये मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये डल झील है, ये देखो ये सारा बोट हाउस है, इधर भी देखो सब बोट हाउस है। यार नाइट में ना यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है ना हमारा, बड़ा ही बढ़िया रहा। मतलब एक्चुअली में क्या हुआ, रात को ना बहुत देर की बारिश हुई यहाँ पे, तो थोड़ा सा ना जो यहाँ का जो वेदर है उसके चक्कर में ना थोड़ी हवा तेज हुई, तो भैया नाव जो ये बोट हाउस है ना हमारी, ये थोड़ी सी रात में ऐसे ऐसे हिल रही है, ऐसे ऐसे हिल रही है, तो हमें थोड़ा सा डर लग रहा कि यार कुछ ऐसा कुछ हो ना जाए, बट ठीक है। ये तो एक्सपीरियंस हमारा अच्छा रहा, ऐसा कुछ होता नहीं वैसे तो। ठंड जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई है, और भाई नहाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि पानी गर्म नहीं आ रहा है अभी तक तो, जैसा कि भैया ने कहा था कि गर्म पानी आ जाएगा। और कैसे हो गया ना, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पर नाइट? ये देखो यार, बीच में ये बादल से आ रहे हैं, उसके जस्ट पीछे बिल्कुल पहाड़ था, क्या नज़ारा है मतलब सुबह सुबह का। अच्छा मैं सुबह सुबह उठ गया, आप देख पा रहे होंगे। मैक्सिमम जितना जूम करना था मैंने कर दिया, ये पूरे बादल बादल दिख रहे हैं, वाइट वाइट जितने भी है। अपडेट ये है भाई कि अभी मैं हूँ डल लेक पे, और यहाँ पे जो है ना, ड्यू टू हैवी स्नोफॉल के चक्कर में जो गुलमर्ग हो गया और सोनमर्ग हो गया, तो सोनमर्ग का तो रास्ता क्लोज कर दिया, और गुलमर्ग हम जा नहीं सकते क्योंकि बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा तेज़। फिलहाल अभी बारिश रुकी है कुछ देर के लिए, तो हमारा प्लान ये है, मैं और गगन अभी हम करने वाले हैं शिकारा राइड, ठीक है। तो हमने जो है शिकारा राइड के लिए बुकिंग कर दी है। ये अब जो देख रहे बाहर दिखाता हूँ आपको मैं, ये बाहर गेट है, गेट से बाहर निकलते ही शिकारा जो हमारे पास आ जाएगा, और हमने जो है अनलिमिटेड टाइम के लिए बुकिंग करा है, जो भी टाइमिंग होगा उस अकॉर्डिंग जो है पैसे इनके बनेंगे। तो हमने पूरा पैकेज में ही बात कर लिया था इस चीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है हमने शिकारा के लिए पूछा तो कुछ ज़्यादा ही प्राइस बता रहे हैं। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जिस भी आप बोट हाउस पर रुकते हो, उस बोट हाउस के मालिक से आप बात कर लो, ऑनर से, ठीक है, तो वो आपको अच्छे से गाइड भी कर देगा, और जो प्राइस है और के अकॉर्डिंग वो आपसे कम पैसे लेगा। मैंने बाहर बात करी, कुछ बता रहे हैं 8 पॉइंट के 8,000 रुपये, कुछ बता रहे हैं 10 पॉइंट के 12,000 रुपये, और उसमें तो टाइमिंग होती है इनकी, वो टाइमिंग का कुछ आइडिया नहीं है वो क्या है, बट जो है मैं लोकल से भी मैंने कन्फर्म करा तो लोकल ही बता रहे हैं कि कम से कम आपको जो है 4 से 5 घंटे का टाइम जो है लग सकता है, जो कंफर्म नहीं है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो फिलहाल क्या है, अभी जो है मॉर्निंग हो रही है, मतलब मॉर्निंग में जो उठे हैं तो कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया था, तो फिलहाल जो है ब्रेकफास्ट हमने ऑर्डर कर दिया था, और ये ब्रेड ऑमलेट जो है हमने मंगा लिया है, तो फटाफट जब ब्रेड ऑमलेट खाते हैं, और हमारा शिकारा जो बोट है वो भी आने वाली है, और यहाँ से फिर हम राइड पर निकल लेंगे। बाकी चीज़ें जो आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या जो है ये 8 पॉइंट्स होते हैं या 10 पॉइंट जो भी पॉइंट्स होते हैं वो क्या क्या, और क्या ये जो प्राइस है ये वर्थ है जो पैसे मांगते हैं, ठीक है। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं, पहले तो ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, फिर सीधा आपको मैं शिकारा पर मिलता हूँ, और एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या है, प्लान बनाएंगे कल का देखते हैं कल का क्या हो पाएगा। आज मेरा डेट 3rd है, और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो गगन जो है अभी चाय पी रही है, और हमारा है ब्रेड ऑमलेट। गप कर दिया आपने एक
भूख भूख लगी है। बाहर तो मैंने आपको दिखाई दिए थे ही, देखो इसी कारण। ये पूरा का पूरा लेक ही है। वो देखो वहाँ दिखाता हूँ, मैं जूम करके दिखाता हूँ। वहाँ पर एक मंदिर है, वहाँ भी जा सकते हैं बाइक से आप, शायद आपको दिख रहा होगा। ये देखो इस पॉइंट पे, यहाँ देखो सेंटर में दिख रहा है आपको मंदिर है। चलो भैया राइड स्टार्ट करते हैं। सुनो, हाँ जी, कुछ चढ़ने का है, बाकी आपको चलते चलते है, ठीक है? जितना टाइम लगाना है लगो। कोई नहीं कोई नहीं, इसको सुनो। हाँ जी, 1.5 से 2 घंटा लगता है इनको चलाने में। हाँ, बाकी टाइम आपके ऊपर है। अच्छा, तो भैया शिकारा राइड जो है हमारी स्टार्ट हो चुकी है। और गगन पोजीशन देखो अपनी, बढ़िया। उधर को हो, कोने को, ये लो कोने को आते हैं। भैया फ़ोन ना छोड़ना चाहिए, फ़ोन छोड़ जाता चले गया अंदर। पूरी इतनी बड़ी सीट है हमारी, ऐसे बैठे हुए हैं। और भैया वहाँ से जाए, उधर से जाएंगे, सीधे जाएंगे। ओके, वहाँ कहाँ से निकल रहे हैं हम लोग? ये सब बोट हाउस है। ये वाला जो देखो ना, अलीफ लैला, क्या लग रहा है यार, बोट हाउस है ना, जबरदस्त लग रहा है। गाड़ी गाड़ी वाह। भैया अभी जो है, अभी हम पहुंच चुके हैं गोल्डन लेक में, जो फर्स्ट पॉइंट है इस शिकारा बोट के राइड का। और मैं आपको दिखाता हूँ सामने जो है कोहे सुलेमान, हमारे पास सामने पहाड़ है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। और उसके ऊपर एक मंदिर भी बना हुआ है सामने जो देख रहे हैं पहाड़, उसका नाम है कोहे सुलेमान। और ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है लेक का, गोल्डन लाइट। रात में जब यहाँ पे मतलब लाइटें जलती हैं बोट हाउस की ना, तो ये बिल्कुल गोल्डन टाइप का दिखता है, इसलिए इसका नाम है गोल्डन लाइट। ये जो है फर्स्ट पॉइंट है इस राइड का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या मिलता है हमारे को। देखो सामने ना ट्राई एंड टेस्ट, मतलब झील के अंदर, डल लेक के अंदर आपको मिल जाएगा फास्ट फूड की दुकान, कुछ ड्रिंक वगैरह ले सकते हो आप यहाँ से। ये देखो चलता फिरता मार्केट है। क्या कह रहे हो भैया, ये क्या है? ये मून फिटिंग रेनबो। सही बात है। कितने कितने दे रहे हो, स्टार्टिंग क्या है प्राइस? 550 रुपये का। चलो ये ले लिया अंकल, ले लिया हमने। धन्यवाद। अभी तो राइड स्टार्ट हुई है, और जो है इसमें ना राइड में काफ़ी टाइम लग सकता है, क्योंकि ये झील जो है बहुत बड़ी झील है, और इसमें ज़्यादा पॉइंट्स है, 11-12 पॉइंट्स जो भी है कवर होते हैं, तो टाइम लगेगा, है ना? क्या कैसा एक्सपीरियंस आपका पहला? अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है, सही है। सामने देखो पहाड़, पूरे बादल नीचे आ रखे हैं पहाड़ों। जाएंगे, वो भी कवर करेंगे, कोशिश रहेगी कि वहाँ तक जाएं, ठीक है? बाइक से अपने जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आज का जो हमारा जो ब्लॉग, कौन सा भाई साहब? ये जो आगे है, सॉरी, उस रोड का अच्छा, अच्छा अच्छा, तो मतलब बाइक से जा सकते हैं ना? बाइक से भी जा सकते हैं, गाड़ी से भी जा सकते हैं। अच्छा, और ये नाव से भी जा सकते हैं? नाव से नहीं, नहीं शिकार नहीं सकते, क्योंकि ये शिकारा पहाड़ पे नहीं है। अच्छा, पहाड़ के ऊपर है वो? पहाड़ के ऊपर है ना मंदिर ना, इसी रोड से। मैं मंदिर की बात नहीं कर रहा, गार्डन की बात कर रहा हूँ। गार्डन आपको एक आएगा, वो पानी के बीच में। अच्छा, पानी के बीच जो गार्डन है ना? हाँ जी हाँ जी, चश्मा शाही, निशात, शालीमार, वो सब रोड से आएगा। अच्छा, वो रोड से जाना पड़ेगा, इसमें आपको खाली नेहरू गार्डन। ओके। और ये क्या बताया था हमने, कौन सा रोड है? मुगल रोड ना, सही है। तो इसी रोड पर तो मैं कल आया था बाइक से, मेरे ख्याल से। हाँ जी हाँ जी, बाइक से उसी के ऊपर बना है। स्नो होती होगी। ये क्या मतलब, क्या कौन सा सील बना था इसमें? हाउस ऑफ गुलशन गुलफाम। इस बोट में मतलब हाउस बोट में शूटिंग हुई थी उसकी। अच्छा, लिखा भी है ना,
अच्छा सही बात है। ओके तो आज ये अभी चालू है या बंद हो गया है? हाँ ये तो साल भर चालू रहता है, ये वाला तब से बहुत पॉपुलर हो गया, ये ज्यादा ना ज्यादा पॉपुलर हो गया है। सही बात है। तो महंगा भी बहुत, महंगा भी बहुत होगा। ये देखो भैया हमारे सामने देख रहे हो वाइट रंग की, ये फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है जो कि डल लेक में है। बढ़िया है, फैसिलिटी है, किसी को अपना सामान वो तो सारे में होता है करना। सब में होता है, पोस्ट ऑफिस जितने भी होते हैं सभी में होता है चीज़, सेम चीज़। तो अभी जो हम पहुँचे हैं नेहरू गार्डन पहुँच चुके हैं, इसका दूसरा या तीसरा होगा पॉइंट होगा, वहाँ पहुँचे हैं। देखते हैं अंदर क्या क्या है भैया, एक्सप्लोर करते हैं नेहरू गार्डन को भी। आ जाओ, ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के जो है फोटो शूट हो रहा है, लोग करवा रहे हैं। ये कुछ गार्डन सा है पूरा नेहरू गार्डन, और इसके अंदर जो है आपको आपको कैफेटेरिया वगैरह मिल जाएगा खाना वाना खाने के लिए, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। ये जो गार्डन है ना ये बिल्कुल लेक के सेंटर में है, और ठीक है यार है ना, थोड़ा सा मतलब ये है कि हाँ एक वो बन गया, पॉइंट बन गया है। क्यों? क्योंकि सेंटर में आ जाता है, अदरवाइज कोई स्पेशल है नहीं यहाँ पे। बस हर जगह ऐसी होता है पॉइंट के नाम पे ना आपको ठगा जाता है और आप थक जाते हो। हाँ कुछ है नहीं, कुछ है नहीं इधर, हाँ फोटो खींच रहे हैं। एक चीज़ है वाटर स्केटिंग है जो मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके, तो वहाँ पे लोग वाटर स्केटिंग कर रहे हैं और जो उनके प्राइस है वो भी पता करते हैं कितने के होंगे, है ना। अगर लगता है कि हमारे बजट में आएगा तो हम कर लेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा बहुत खर्चा हो चुका है। हम कुछ और सोच के निकले थे घर से और कुछ और हमारे साथ हो रहा है। यहाँ का नज़ारा, मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ। आपको नज़ारा दिखाता हूँ सामने के, और पीछे जो पहाड़ है ना मैं आपको दिखाता हूँ पीछे, अभी आपको दिखाता हूँ। क्या कर रहे हो? तोड़ना नहीं है भैया, तोड़ना लाओ नहीं इसको, तोड़ना भी नहीं चाहिए। चलो देखते अंदर क्या क्या है। ओ ये कैसे हिल रहा है भाई, ओ भाई कैसे हिल रहा है भाई, ओ भाई। हाँ तो भैया ये है गार्डन आपका पूरा, ये है भाई गार्डन। इधर आ जाओ, इधर इधर देखते हैं वो जो बुकिंग हो रही है कहाँ हो रही है, वो जो स्केटिंग हो रही है। मिला जुला के कुछ स्पेशल है नहीं, चलते आगे की तरफ अपने बोट में भाई। चलो यार बैठ के भाई अपनी बोट में। ये देखो वाटर स्केटिंग हो रही है, ये है वाटर स्केटिंग। अभी जो मैं प्राइस पता करके आया हूँ वाटर स्केटिंग का, तो बता रहे हैं कि भाई अगर सिंगल बंदा जाता है तो 800 रुपये है, ठीक है। वो जैसे राउंड दिखा रहे हो वहाँ पे घुमा के, घुमा के नहीं नहीं देखे अंकल, और मिशन कश्मीर देखा मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, और वो जो अगर आप कपल्स में हो, कपल्स में करते हो तो 3200 रुपये मांग रहे थे वो लोग, जो कि दो बोटे अलग अलग बोटे करती है। हाँ सुना है अंकल, और वो बोटिंग मिला के ना, मतलब वो जैसे जैसे पोज करवाते हैं, जैसे शादी में नहीं फोटो खींचते हैं पोज करवा के, उस लाइक की वो दो बोट से कपल्स को मिलवा के फोटो खींचते हैं, ठीक है। तो उसका प्राइस था 3200 रुपये, हमने तो मना कर दिया भैया अभी नहीं करना है, थोड़ा सा मौसम यहाँ पर सही नहीं है इसीलिए मना कर दिया। मौसम अच्छा होगा देखा जाएगा, फिलहाल के लिए अभी तो कुछ नहीं है।
कौन सी मूवी थी अंकल? कश्मीर की कली और मिशन कश्मीर। जब जब फूल खिले मिशन कश्मीर। अच्छा उसकी शूटिंग यहीं पे हुई है। आप जो आप फिल्म का शूटिंग इसी लेक। अच्छा अभी आप जहाँ हमें ले जा रहे हो उस लेक का नाम? अच्छा यही लेक है। इसका नाम है ओपुल डल लेक। ओपुल डल लेक। ओपुल डल लेक। ओपुल डल लेक है ना। ये लेक पहाड़ों के बीच में, इस पहाड़ का नाम है जबर वन। ये जो पहाड़ देख रहे हो जबर वन, इधर ये वाला पहाड़ जबर वन। जोजीला पास, ये सामने देख रहे हो? अच्छा यार ये सामने जो हमारे है जोजीला पास दिखाता हूँ आपको। ये जो पहाड़ देख रहे हो सामने की तरफ है, ये है जोजीला पास जो कि लद्दाख की तरफ निकलता है, वही उसी रूट में आता है। तो भाई हमने जोजीला पास तो देख लिया लेकिन अभी जा नहीं पाएंगे थोड़ा सा क्योंकि टाइम की बहुत कमी है हमारे पास। नॉन वेज और ये बारबेक्यू है, वेज में क्या क्या है? पनीर है, मशरूम, मशरूम और पनीर। पनीर का क्या है चार्ज? कितना चार्ज आएगा? 20 रुपीज़। और चिकन का? चिकन आएगा 480 का, 20 पीस। और मशरूम? मशरूम भी 350। 20 पीस। 20 पीस क्या करोगे खा के यार? 2 पीस बताओ। कौन सा वेज वाला है नॉन वेज? मजाक कर रहा हूँ, खुशबू तो अच्छी आ रही है। सही है भाई, चलता फिरता बारबेक्यू बनाया कुछ? नहीं नहीं थैंक यू थैंक यू, बस बताएंगे अंकल हमको, आपको भूख लगेगी तो अभी निकले थे खा के। देखो यहाँ से स्टार्ट है फ्लोटिंग मार्केट, जिसने कपड़े वपड़े लेने हो वुलन का आइटम्स, ये हैंडक्राफ्टेड आइटम्स आ रहे हैं इनकी, तो वो भी ऑप्शन है लेने के लिए, यहाँ पे ले सकते हैं। और भैया जी बड़े मस्त पूरी मार्केट में एंटर हो चुके हम, और मैं बैठा हूँ राजाओं की तरह। ये देखो चिल करो बस बैठ के बस। पूरी की पूरी मार्केट ही ऐसी हो रही है। अब इधर आ जाओ तुम। ये देखो ये जितनी भी मार्केट दुकानें देख रहे हो ना, सारी की सारी पानी के ऊपर है, और ये फ्लोटिंग वाली मार्केट मतलब फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग होती रहती है मतलब। ये देखो डल लेक, कुछ शॉपिंग करना फ्लोटिंग मार्केट से नहीं करना? सही बात है भाई, देख के आ जाए खरीदेंगे कुछ नहीं, क्योंकि यार एक्चुअली में ले लो देंगे लेकिन रखे हैं कहाँ नो आइडिया, इसलिए कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। बट जो बंदा कार से आता है या ट्रेन से आता है बस से आता है तो उसके लिए ऑप्शन है, वो ले सकता है, बट हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्योंकि ऑलरेडी हम अपना जो है सामान छोड़ के आए हैं और एक्स्ट्रा और सामान पर भर लेंगे तो फिर बाइक चलाने में थोड़ा सा ओवरलोड के बाद हमें दिक्कत हो सकती है, इसलिए चलाएँगे नहीं लिंग नहीं सॉरी। अच्छा अच्छा आए देखो भैया मार्केट में घुसे, जहाँ पे लकड़ी का सामान भैया मतलब बना के ना बेचते हैं अपनी, ये सारी हैंडक्राफ्टेड है। कहाँ क्या चीज़ ये शिकारा पे? जो भी आपको आइटम। अच्छा अच्छा कितने का है? 140 के। 40 रुपये? 140। 140 ये? 140 ये है, ये 100 का। अच्छा ये 100 रुपये का है, ये 220 के। 220 पकड़ना पकड़ना किससे? ये 300 के। और क्या क्या अंकल जी? ये सब हैंडमेड है, आपने बनाए हैं? मैं पार्टनर बनाते हैं। अच्छा आप और आपके पार्टनर आते हैं? आप
हाँ जी हम खास दिल्ली से हैं। बढ़िया अंकल। ये क्या अंकल जी, क्लॉक नहीं, ये क्या थी? टाइम लगा रखा आपने इस पे? अच्छा चाकू है, सेट है पूरा। हाँ जी हाँ जी, हाँ बड़ी अच्छे से बना रखे अंकल। अरे वाह ये यूनिक है, खोलो। क्या बात है, क्या बात है, वो भी वही है। अच्छा सेम ही है भी। क्या कारीगरी अंकल जी, एक नंबर कारीगरी। कितने का ये? 800। और वो वाला? 650। वो सस्ता है ये महंगा है, जबकि स्पेशल तो वो लग रहा है देखने में। वो अपन माल को देगा नहीं, वो है क्या है ये, वो क्या है, वो क्या है? कार्डबोर्ड। और ये लकड़ी? तो लकड़ी महंगी आती है ना। अच्छा अच्छा समझ गया, लकड़ी तो महंगी है। कार्डबोर्ड MDF है। MDF इसको खोलो, जो बीबी को सताता उसके हाथ से नहीं खुलता, जो प्यार करता उसी के हाथ से खुलता। एक मिनट, दो मिनट, चेहरे से कितना शरीफ लगता है बदमाश। देखा, शर्म आना चाहिए। देखा कितना सुंदर चेहरा है, कैसे फंस गया। जरा बेटी आप भी ट्राई करो, खोलो एक ही हाथ से, दे दो कैमरा इनके हाथ में, लो खोलो बेटी एक ही हाथ से, खोलो एक ही हाथ से। अरे प्यार खेलो, ये ऐसा उठाओ, प्यार करने वाले से खुलता, सताने वाले से नहीं खुला। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चेहरे से कितना शरीफ लगता है, देखो शर्म आना चाहिए। चलो मैं आपको, मैं बता रहा हूं, मैं करता हूं। और क्या करेगा, मैं कुछ नहीं बोलता है, कुछ तो ससुराल वालों को ये बात नहीं बताऊंगा मैं। चलो मैं दिखाता हूं, अरे कहां खोलेगा, लो मैंने पहला ही उसको खोल कर रखा। अच्छा कितने का है ये, रेट तो बता दो। किस काम आता है बेटा अंकल, उसका रेट तो बता दो। दो किस्म का, एक 1400 का, दूसरा 700 का, इससे बड़ा है वो, मैं दिखाऊंगा अभी उनको। इंटरव्यू बाकी है, ये बता सकता है किस काम आता है? आपने बहुत गलती किया था शादी से पहले, टेलीफोन नहीं किया था। आपका पापा का सीधा बताऊंगा किसके साथ शादी करेगा, जिसका चश्मा का स्टैंड भी पहचानना नहीं आता था उसके साथ कौन शादी करेगा। ये तो वो नहीं तो ना सोच रहा हूँ, टक स्टैंड चार चश्मा लगता है, ऐसा लगता है आदमी बैठ रहा है चश्मा पहन कर। अच्छा ऐसे गागले नहीं गोगल, देखो ऐसा लगेगा ये नाक है, यहाँ चश्मा बैठता है, ऐसा लगेगा आदमी बैठ रहा है चश्मा पहन कर। ये सब फ्लोटिंग मार्केट के अंदर देखो, सारे कपड़े लगा रखे उन्होंने। बीजी आर्ट्स एम्पोरियम। ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं मार्केट है, ये मीना बाजार है। और आपने राइट साइड में एक शॉप का नाम आएगा कश्मीर वैली। अच्छा वो कश्मीर वैली, ये शाहिद कपूर घर होता है पिक्चर। अच्छा तो मैं आपको बता रहा था कि आपने एक मूवी देखी थी हैदर, हैदर मूवी जो शूटिंग है इसी एरिया में हुई है। और जो पीछे देख रहे हो कश्मीर वैली, जो घर दिख रहा है इधर, ये वाला, हाँ ये वाला घर, इसमें ही वो रहा था, पूरी फिल्म यहीं से शूटिंग हुई थी। ठीक है, और ये देखो पूरी मार्केट शॉप वगैरह खोल रखी, दुकान वगैरह खोल रखे हैं यहाँ पे। बारिश हो रही है ना हल्की हल्की, कितनी गहरी होंगे अगर ये 8 फुट है, ये तो दिख रहा है लेकिन नीचे तो। टाइम हो गया लगभग 1 या 1.5 बजे जाऊँगे, और ऐसे तो लंच का टाइम हो रहा है, लेकिन मैगी जो है खाने का मन कर रहा है। हल्की हल्की बारिश हो रही है तो मैगी खाने का मन कर रहा है, तो एक मैगी और एक चाय मंगा रहे हैं, वो खाएंगे। बोट पे ही जो है वो हमें चाय और मैगी दे देंगे। आप कुछ खाओगे अलग से स्पेशल? नहीं, ठीक है। से यार पूरी मार्केट को ना एक्सप्लोर करने के लिए टाइम चाहिए, प्रॉपर टाइम चाहिए आपको। अगर कोई बंदा कोई सामान लेना चाहता है तो उसके तो ठीक है, ट्रैवलर्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत है,
है नी नगर कर्जन जिस घर की कर्जन ट्रैवलर्स के लिए कि वो यार बंदे कहाँ पे वो सामान लोड करके ले जाएंगे सामान खरीदने के बाद कार वगैरह से आए हो तो दिक्कत नहीं है बाइक से तो दिक्कत है तो बाइकर्स के लिए तो बहुत नॉट पॉसिबल कि यहाँ से हर सामान खरीद के ले जाए फिर भी हमने पूरा मार्केट जो मतलब कोशिश करा कि जितना एक्सप्लोर हो सके एक्सप्लोर हुआ करा आपको दिखाया होप आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी और भी कुछ रह गया है क्या चीज़ भाई गरम गरम आ गई मैगी गरम गरम आ गया चाय अपन पीगा चाय खाएगा मैगी खाओ जल्दी खाओ यार देखो तुम्हारे कैसे आ रहे हैं सही है और ये है नज़ारे मैगी चाय और नज़ारे क्या मस्त आजो लो जी भाई पहुंच गए हम अपने बोट हाउस में दोबारा और इन भैया ने हमारे को अच्छे से जो भी है जितने भी पॉइंट्स थे उन्होंने एक्सप्लेन किया तो धन्यवाद भैया आपका धन्यवाद और फिलहाल आप जा रहे हैं अपने रूम के अंदर थोड़ा सा ना फ्रेश व्रेश होते हैं फ्रेश क्या होते हैं मतलब थोड़ा सा देखते हैं और लंच भी भूख भी लग गई है तो लंच वंच करेंगे कुछ खाने को बढ़िया देखते हैं थोड़ा बाहर खाएं बस गई बस गई बस गई छोटी फंसी है ये सोफा सेट लगा के एंट्री करते ही वहाँ पे टीवी है इधर लाइट का जुगाड़ है पूरा फ्रिज है ये पूरा जो बोर्ड पे बना हुआ है बोर्ड के ऊपर इधर एक कमरे दो कमरे तीन कमरे हैं ठीक है अभी अभी कोई लगा नहीं है अभी मेरा कमरा है मैं दिखाता हूँ आपको ये देखो इधर लाइटें लगा रखी हैं ये पूरा बेड है टांगने के लिए इसी में वॉशरूम होता है ये वॉशरूम का एरिया है और हमें पार्ट टब भी दिया है वॉशरूम इस तरह का इनका कुछ इलाज लग के काफ़ी अच्छा है ठीक है मतलब है ना अगर प्राइस को देखा जाए तो प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है तो मैं बता दूं कि इसके जो प्राइस हमसे लिए गए वो 4000 रुपीज़ लिया गया पर नाइट का ठीक है जिसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं है खाना वाना वो आपका अपना अलग से होगा और अगर आप आना चाहते हो इस बोट पे तो बार्गेनिंग आप कर सकते हो अगर आप एक्स्ट्रा डे स्टैंड करते हो तो जैसे मैं तो एक दिन के रुका हूँ तो मैं भाई हो गया डिनर का टाइम आप डिनर करने वाले हैं क्या मंगाया आपने स्पेशल कश्मीरी पुलाव भैया कश्मीरी पुलाव यहाँ का फेमस देखते हैं भाई टेस्ट कैसा है पकड़ना यहाँ तक पकड़ो थोड़ा स्वीट सा थोड़ा सॉल्टी सा टेस्ट आ रही मज़ा आ गया आप भी ट्राई करके देखो क्या लग रहा है अभी तो गर्म हो रहा है मेरे हल्का सा ट्राई करो कैसा टेस्ट कैसा टेस्ट है अच्छा है ना तो अभी आप जहाँ तक भी देख रहे हैं हमारे पीछे आगे पीछे ये पूरा बर्फ ही बर्फ है बर्फ की चादर है और उस